रमजान का पाक महीना आते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों के चेहरों पर खुशी की झलक दिखाई देती है, जिसका कारण है कि रमजान का पाक महीना मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद अहम रहता है। रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे महीने रोजे रखकर खुदा की इबादत करते हैं और वतन के लिए अमन और चैन की दुआ मांगते हैं। इतना ही नहीं, रोजे रखने के साथ साथ मुस्लिम समुदाय को इंतजार रहता है मीठी ईद का, जिसमें लोग एक दूसरे के घरों में जाकर फैनी और मीठी सेवैयां खाकर एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। लेकिन कोरोना वायरस जैसी लाइलाज बीमारी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के अरमानों पर मानो पानी ही फेर दिया है। जहां एक तरफ लोग लॉकडाउन के चलते घरों से निकलने से डर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन ने हर साल ईदगाह में पढ़ी जाने वाली नमाज में मात्र 5 लोगों की उपस्थित रहने के लिए अनुमति दी है, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के दौरान पढ़ी गई नमाज की तरह ईद की नमाज को भी घर में ही पढ़ पाएंगे। बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के महीने में सुबह सहरी खाकर दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं और शाम को रोजा इफ्तारी करने के बाद ही भोजन करते हैं। जिन्हें इंतजार होता है रमजान के महीने के बाद आने वाली मीठी ईद का, लेकिन लॉकडाउन के बीच आने वाली मीठी ईद इस प्रकार फीकी दिखाई दे रही है, जिसका कारण है लॉकडाउन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। इतना सब होने के बाद भी मुस्लिम समुदाय के लोग प्रशासन का सहयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और घरों में नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु लोगों से ईद की नमाज को घरों में रहकर पढ़ने की अपील कर रहे हैं और साथ ही कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए भी आग्रह कर रहे हैं। जी, मैं बताना चाहूँगा, रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला ने हर आकिल और बालिग मोमिन पर फ़र्ज़ किया है। कुरान पाक से सबूत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ए ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसे कि तुम पर पहले वालों पर फ़र्ज़ किए थे। तो हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोज़ा रखते हैं, और ये इबादत वो इबादत है जिसका मक़्सद अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद देता है। एक तो वो इबादत होती है कि जिसके दूसरे ज़रिए मिलती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इसकी नेकियाँ मैं खुद देता हूँ, इसकी जज़ा मैं खुद देता हूँ। और ये माह मुबारक, इसमें अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह अपनी रहमतें बरसाता है, और इसमें 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा है मगफिरत रहमत का, दूसरा मगफिरत का, तीसरा अशरा इसका निजात का है, इसमें लोग जहन्नम से निजात पाते हैं, और पहला जिसमें कि अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह रहमतें इसमें बरसती हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि रोज़ादार वही इंसान है जो भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करे, ना कि दिन ब दिन इधर उधर घूमे, रोज़े की अहमियत को जाने, क्योंकि रोज़ा ना ही भूख से होता है बल्कि ज़बान का, कान का, आँख का, हर चीज़ का रोज़ा होता है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ की सज़ा देता है। और भूखा इंसान ही लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इस जानते हैं आप, रोशनी की कदर वही जानता है जिस जो अंधेरों से निकल करके आया है। लॉकडाउन जी हम बिलखसूस मुसलमान होने के नाते भी, वैसे भी हम सारे लोग अपने हिंदुस्तान के भाई चारे के साथ हैं, और आप जानते हैं लॉकडाउन में परमिशन तो नहीं मिली है, लेकिन जितनी शासन से कोर्ट से अपील हुई है कि 4-5 लोग जो वैसे पढ़ रहे थे अब से पहले लॉकडाउन में नमाज जुमा नमाज अदा की थी, वैसे ही ईद की नमाज़ को भी 4-5 लोग अदा किया जाए। हम इसमें शासन का भरपूर साथ देते हैं और उनकी बात को भी हम मानेंगे, क्योंकि वो हमारी हिफाजत के लिए, हम लोगों के लिए अपनी जान को, अपने घरों को छोड़ करके, अपने बी बच्चों को छोड़ने के बाद हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं। और वो लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी गलती है जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। कि हम सहमति वाली बात है तो 100% सहमत हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि महामारी है, इस महामारी से निपटने के लिए हमको जो है इसका पालन करना है, और लोगों में इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब रही बात मिठास की, तो दिलों के अंदर गुंजाइश होनी चाहिए। रमज़ान का महीना 3 अशरों में बटा हुआ है। नंबर 1 रहमत का होता है, पहले 10 दिन रहमत का होता है, दूसरे 10 दिन यानी कि 20 दिन तक जो है मगफिरत का होता है, और तीसरा जो है वो जहन्नम से आज़ादी का होता है। तो हम लोग सब इसमें कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अपने मुल्क की दुआ के लिए करते हैं, और दुनिया के लिए, समाज के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस COVID-19 को जड़ से ख़त्म कर दे, हम लोगों को राहत मिलेगी। जब हम लोगों को राहत मिलेगी तो रोज़ ईद है, कोई परवाह नहीं है। नमाज़ की हमें इजाज़त नहीं मिली, हमें कोई दुख नहीं है, है ना। हमें इसको लड़के मुकाबला करना है, और मोदी सरकार को हमें जो है इसका समर्थन करते हैं, और हम उनकी बात से, इस बात से सहमत हैं। देखिए, ईद की नमाज सबसे बड़ी बात यह है कि ईदगाह पे ही वाजिब है, और ये नमाज फ़र्ज़ नहीं है, ड्यूटी नहीं है।
अल्लाह ने जो फ़र्ज़ नमाज हम पे अदा करी हैं वो 5 वक्त ही करी हैं। हमारा फोकस उन 5 नमाज़ों पर नहीं होता, हम नफली नमाज होती हैं जो दूसरी नमाज़ें होती हैं उस पर फोकस। अब ठीक है, ईद की बड़ी नमाज है, ईद की नमाज सिर्फ ईदगाह पे होती है। अब चूँकि लॉकडाउन का भी हमें पालन करना है तो मैं नहीं समझता कि इसमें हम ज़बरदस्ती करें, धींगा धांगी करें, शासन प्रशासन से डिमांड करें, कोई बात नहीं है। अगर ईद की नमाज़ हमें इस बार नहीं मिली, अल्लाह से दुआ करेंगे, अगली बार हमें अल्लाह ने अगर हमें ज़िंदगी दी तो अगली बार हम कोशिश करेंगे, अगली बार नमाज हमें मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको लेकर के कोई नाराज़गी जताएं या अपने आप में कोई इस तरह से कोई समाज के अंदर बुराई पैदा करें, कोई बात नहीं है। हमें समाज का साथ देना है और हमें लॉकडाउन का पूरा ध्यान रखना है। ना हमें लॉकडाउन के चलते हुए रोज़े भी लॉकडाउन में आए, हम लोगों ने रोज़े भी लॉकडाउन में ही पूरे किए हैं और नमाज़ें भी घर पर ही अदा की हैं और अलविदा की नमाज़ भी घर पर ही अदा की है। और अब जैसा कि सरकार का आदेश है कि ईद उल फित्र की नमाज़ भी घर पर ही अदा की जाए तो हम सरकार के नियमों का पालन करेंगे और घर पर ही ईद की नमाज़ अदा करेंगे। और रहा सवाल मिठास का, तो मिठास तो मतलब ही नहीं उठता है। जिस दौर से देश गुजर रहा है उस दौर को देखते हुए खुशियां मनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जो हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ के जो गले मिला करते थे, एक दूसरे को बधाइयां दिया करते थे, दोस्त हो दुश्मन दुश्मनी भुला करके हम लोग गले मिलते थे, तो वो गले मिलने का तो इस लॉकडाउन में सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये बीमारी ऐसी फैली हुई है कि इसमें हाथ मिलाना भी मुनासिब नहीं है। तो इन हालातों को देखते हुए हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि हम लोग ईद उल फित्र की नमाज़ घर पर ही अदा करेंगे, जिससे कि हम सब सेफ रहें।